हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर का जो जितने भी फुल फॉर्म होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। जैसे कि अब सब लोगों को पता है कि जीके में कंप्यूटर का क्वेश्चन आ ही जाता है, तो वहीं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वहीं मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा पूरा शुरू से लास्ट तक, ए टू जेड तक। मैंने यहाँ से स्टार्ट ए से करेंगे हम और जेड तक चलेंगे। ठीक है, और पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो इम्पोर्टेंट है वहीं मैंने लिया है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंच सके और वीडियो आप पहले देख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आता है, खासतौर से बैंकिंग के एग्ज़ाम में। तो सब लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर होता ही है एक स्पेशल से, जैसे अभी SBI क्लर्क होने वाला है, तो फिर उसमें उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो SBI क्लर्क का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर किसी भी तरह के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पहला है ए से है, तो पहला है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सेकंड है एल्गोल, एल्गोल का होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। थर्ड है ARP एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। फोर्थ है SCII बोलते हैं इसको, ASCII होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं ऐसे ट्रिक लगा दूंगा, आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ऐसे इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखिएगा तो ऑलरेडी सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बी से, तो बी से जो इंपॉर्टेंट है BINEC, पहला है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, सेकेंड है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। थर्ड है BIN, बाइनरी को शॉर्टकट में BIN बोलते हैं। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिफ्थ है BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी आते रहता है, बीट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, तो बी से एक और है उसको भी देख लेते हैं, BSNL, तो BSNL का पूरा नाम होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग सी से, सी से होता है कार्बन कॉपी, सी पहला है CC, तो कार्बन कॉपी। सेकंड है CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। थर्ड है कोबोल, ये एक लैंग्वेज होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सी से ही, तो फोर्थ नंबर है CD कॉम्पैक्ट डिस्क। फिफ्थ है CRT कैथोड रे ट्यूब होता है। सिक्स है CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सेवन है CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एट है CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। और नाइन होता है CDRW, अगर R लेंगे हम लोग यानी इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, अगर R लेंगे तो रीड हो जाएगा और अगर W लेंगे तो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं D से जो इम्पोर्टेंट है, तो D से जो इम्पोर्टेंट है पहला है DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड है DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड है DNS डोमेन नेम सिस्टम। फोर्थ होता है DPI डॉट्स पर इंच, ये। फिफ्थ है DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिक्स है DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, ऐसी को डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोलते हैं। और सेवन है DVD रिकॉर्डेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग एट नंबर है DVD-ROM DVD रीड ओनली मेमोरी इसका होता है। नाइन है DVD-RW DVD री राइटेबल। टेन है DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। इलेवन है DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं ई से जो इम्पोर्टेंट है, इसे पहला EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है इसका पूरा नाम। सेकंड है E-commerce यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। थर्ड है ADP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। फोर्थ है EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिफ्थ है ELM ईमेल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल पूरा नाम होता है ईमेल का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्स नंबर वाला, इसको आप याद कर लीजिएगा, NEIC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एट है EOF एंड ऑफ फाइल। एट है EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाइन है EXE एग्जीक्यूटेबल को शॉर्टकट में EXE बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब एफ से जो इंपॉर्टेंट है, तो एफ से जो इंपॉर्टेंट है पहला फैक्स फॉर अवे जीरोक्स, इसका पूरा नाम होता है या फैसिमिल्स, फॉर अवे फैसिमिल्स या फॉर अवे जीरोक्स। सेकेंड है FDC फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। थर्ड है FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फोर्थ है फोर्ट्रॉन, इसका पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये भी एक लैंग्वेज में आता है। फिफ्थ है FS फाइल सिस्टम। सिक्स है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब जी से हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो जी से पहला है GB, अगर छोटा भी लेंगे तो गीगा बीट हो जाएगा और कैपिटल भी लेंगे तो गीगा बाइट हो जाएगा।
थर्ड है GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये इंपॉर्टेंट है। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। H से देखते हैं, तो इससे HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, सेकंड है HP हैवलेट पैकेट, थर्ड है HTML और फोर्थ, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HTML और HTTP। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आप याद कर लीजिएगा। आई से देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो पहला IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सेकंड है IM इंस्टेंट मैसेज, थर्ड है IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, फोर्थ है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं JC, तो JC जो इंपॉर्टेंट है JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जैसे कि इंपॉर्टेंट लगा ऑलरेडी हमने। KC देख लेते हैं, तो KC KB और छोटा भी रहा तो किलो बीट, बड़ा भी रहा तो किलो बाइट हो जाएगा। KHZ होता है किलो हर्ट्ज, KBPS किलो बीट पर सेकेंड स्पीड होता है इंटरनेट का, इसे मापते हैं। नेक्स्ट है LC, ये चार इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का होता है लाइट इमेडिंग डायोड, LPI लाइन्स पर इंच, LIS का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं M से पहला MB, अगर छोटा भी रहा तो मेगा बीट हो जाएगा और बड़ा भी रहा तो मेगा बाइट। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स होता है इसका। MMS ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी इंपॉर्टेंट है। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं N से, तो N से जो है पहला NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और सेकेंड है NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। O से देखते हैं हम लोग, तो O से पहला OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। सेकेंड है OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, थर्ड है OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। P से देखते हैं, पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, PC पर्सनल कंप्यूटर, ये आता है एग्जाम में। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये भी आता है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी एग्जाम में आता है। POS पॉइंट ऑफ सेल, और 6 से PNH पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऐसे इसको आप देखिएगा तो याद हो जाएगा, दो तीन बार वीडियो को देखिएगा याद हो जाएगा, ठीक है। 7 देखते हैं PPM पेजेज पर मिनट, 8 है PPP है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, 9 है PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, 10 है PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, 11 है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, 12 है पिंच PING यानी कि पैकेट इंटरनेट गॉफर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर से पहला है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये पूछा जाता है। RAM ROM ये तो आता ही रहता है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RIP RIP रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ऐसे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट है पहला SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, सेकंड है SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, थर्ड है SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SIEM सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा SIEM वाला। देखते हैं TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और TB टेराबाइट्स होता है। यू से देखते हैं अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट है, यू से पहला UPS, तो इसका होता है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, UPS जो यूज करते हैं कंप्यूटर में। URI यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब V से देखते हैं हम लोग, पहला है VR यानी वेरिएबल को शॉर्टकट में VR बोलते हैं, VGA वीडियो ग्राफिक्स अरे, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, और V से होता है तो भारत संचार निगम लिमिटेड, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। W से देखते हैं हम लोग, तो W से होता है Wi-Fi, ज़्यादातर लोगों का इसका नहीं पता होता है फुल फॉर्म, तो इसको याद कर लीजिएगा, वायरलेस फिडेलिटी होता है। WLAN होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WPA Wi-Fi प्रोटेक्टेड एक्सेस, ये WWW ये आता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके संस्थापक हैं टी बर्नर्स ली, ये नाम भी आता है। WORM यानी राइट वंस रीड मैनी होता है इसका। एक्स से देख लेते हैं, एक्स से है XHTML यानी एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये सेकंड है XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और जेड है लास्ट ZB यानी कि ZB। तो यहाँ पे हमने देखा A to Z से लेकर कंप्यूटर के जो भी मेन फुल फॉर्म है उनको हमने देखा, ठीक है। इस वीडियो को आप दो तीन बार देखिएगा तो सारा याद हो जाएगा, सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। अब तो हर जीके के क्वेश्चंस में कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।
हम ऐसे ही वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।